महिलाओं पर दहेज के लोभियों का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज लहरागागा के गांव भाई का पिशोर में भी एक महिला को दहेज की खातर जलाकर मार देने का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक गांव जलूर की रहने वाली निशा की शादी 3 साल पहले हुकुम जोशी से हुई थी, पर शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने निशा को दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब आज मारपीट के बाद ससुराल वालों ने निशा को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में निशा को पटियाला के एक हॉस्पिटल में ले आया गया जहाँ उसकी मौत हो गयी। फिलहाल पुलिस ने लड़की के परिजनों के बयानों के आधार पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दहेज नु तंग करदे सी, हुण देवर दा हुणी ब्याह होया ते ओह 10 लाख लेके आई आ ते कहंदे तू भी 10 लाख लेके आ। ए लड़की दा बयान फादर दे बयान ते बलदेव किशन दे बयान असीं रिकॉर्ड कर लिया, ओदे मुताबिक असीं कार्रवाई अमल च लिया रहे हांगे। बेशक दहेज मांगने और देने के विरुद्ध बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी दहेज हत्याओं का ग्राफ घटने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लहरागागा से अनिल जैन, खबर हरपल इंडिया के लिए।